बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की मेहरबानी से हंसते मुस्कुराते और खुशोखुर्रम होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टोटका, एक नुस्खा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। तो व्यूवर्स, ऐसा है कि मौजूदा ज़िंदगी की गज़ाई बेअतदाली या फिर गैर मुतहरक ज़िंदगी और फिर जल्दी पर तेल का काम के मिर्च मसाले चटपटी चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें मिल मिल कर जो है मैदे और आंतों के निज़ाम को नाकारा और गैर फाल कर देती हैं। इंसान जो भी गज़ा इस्तेमाल करता है वो चूँकि देर से हज़म होती है या फिर इसके हज़म होने के लिए हरकत यानी चलना फिरना जो चाहिए होता है वो नहीं होती, तो फिर वही गिज़ा हमारे मैदे और आंतों में गल सड़ कर गैस और तेजाबियत बना देती है। ये गैस अगर दिमाग की तरफ चली जाए तो फिर अपने असरात जो है वो उसके इस तरह जाहिर होते हैं कि या तो हनूदगी रहती है हर वक्त, नींद की कैफियत रहती है, या फिर नींद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और चेहरे की तरफ अगर हो तो ऐसा लगता है कि जैसे चेहरे के दोनों तरफ जो है कान और गाल जो हैं वो सुर्ख हो गए हैं हमारे और गर्म हो गए हैं। सर चकराना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद दिल की धड़कन कभी तेज़ होना शुरू हो जाती है, कभी दिल डूबना शुरू हो जाता है, बाद में बाद टेंशन और बदमजगी होने लगती है। ग़िज़ा जो है वो जुज़्व बदन नहीं बनती, यानी कि हम जितना भी खा लें हमें लगता ही नहीं है। घबराहट होती है बार बार, या फिर मुस्तकिल घबराहट जारी रहना शुरू हो जाती है, मुंह से बदबू आने शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें, कब्ज, सबसे बड़ी बात है कब्ज शुरू हो जाती है। और या फिर अजाबत जो है, यानी कि आप बाथरूम में जाकर भी चाहते हैं कि हम अभी, हमें और बैठना था वहाँ, हम अभी, तसली बख्श नहीं होता आपका बाथरूम में जाना। और मसूड़ों का फूल जाना, मुँह में छाले हो जाना, या फिर ज़ुबान का फट जाना, या फिर इस पर एक सफ़ेद किस्म की तय जम जाना, ये तमाम अलामतें जो है ना ये मैदे की खराबी या तखीरे या गैस बादी और बदहजमी की हैं। ऐसी हालत में अगर सोडा वाटर या तेजाबी पानी इस्तेमाल किया जाए, या जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, तो इसकी बज़ाहर उस वक्त तो फ़ायदा होता है, अच्छी कैफियत हो जाती है, लेकिन हकीकत में वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मैदे में या तो फिर अल्सर हो जाता है, या फिर मैदे के लाइलाज ज़ख़म हो जाता है, मैदे में लाइलाज मर्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा, बेहतरीन टोटका बता रही हूँ जो कि घर में मौजूद चीज़ों से तैयार हो जाएगा और आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा, बहुत आसान, इस्तेमाल करना भी आसान, बनाना भी आसान। तो ये देखें, ये मैंने एक चाय का चम्मच भरकर जो है वो मीठा सोडा ले लिया है, ठीक है, और आपने इसमें आधा चाय का चम्मच काला नमक इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये एक चाय का चम्मच भर के मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, और आधा चाय का चम्मच जो है काला नमक, और इसमें एक चौथाई चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर बना के आपने ये इसमें डाल देना और ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखें, ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। तो हर खाने के एक घंटे के बाद, ठीक है, जैसे आपने सुबह का नाश्ता किया, दोपहर को खाना खाया और रात को खाना खाया, तो खाने के एक घंटे के बाद, क्योंकि एकदम से पानी पीना, खाने के बाद एकदम से पानी पीना जो है वो ठीक नहीं है, तो खाने के एक घंटे बाद आपने इसको इतना सा लेना है। देखें, इतना सा लिया और सादे पानी के साथ, नीम गर्म नहीं होना चाहिए पानी और कोई चीनी नमक नहीं मिला होना चाहिए, तो इतना सा आपने लेना है, यानी कि 1-1.5 ग्राम आपने लेना है और मुंह में रखकर आपने पानी पी लेना है। तीनों टाइम आपने ये करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो निज़ाम हाजिम है वो तमाम का तमाम ठीक हो जाएगा। जो कैफियत मैंने आपको बताई हैं वो तमाम ठीक हो जाएंगी, स्पेशली कब्ज की जिनको शिकायत है बहुत ज़्यादा, वो इंशाल्लाह इसके 4-5 दिन के इस्तेमाल से, मुतवातर इस्तेमाल करना है आपने इसके, 5 दिन के, 4-5 दिन के इस्तेमाल से जो है वो कैफियत भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पे इतमाद रख कर, अल्लाह का नाम देकर आपने ये नुस्खा शुरू करना है और इंशाल्लाह अल्लाह के मेहरबानी से, अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो अल्लाह के हुक्म से ये आपको ये चीज़ शिफा देगी। ये चीज़ आपको शिफा नहीं देगी, अल्लाह का हुक्म इसको, इसमें आपके लिए शिफा डालेगा और आपको शिफा हो जाएगी। आपने अल्लाह पर इतमाद करके कि इसमें अल्लाह मेरे लिए शिफा डाल दे,
आपने ये इस्तेमाल करना है नुस्खा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा। तो कैसा लगा आज आज का नुस्खा आपको, आज का टोटका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे नुस्खे, मेरे टोटके, मेरी वीडियोज़ आपको, मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।